डायना 250 इंपोर्टेड एयर राइफल। सो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ एयरसॉफ्ट गन इंडिया। एयरसॉफ्ट गन इंडिया के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज ये जो है ये डायना 250 अभी हमारे पास न्यू स्टॉक में आया हुआ प्रोडक्ट है। सो अभी आप ये ऑर्डर करते हो, सो ऑर्डर करने के लिए कैसे ऑर्डर करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बताते हैं इस गन का स्पेसिफिकेशन क्या है, क्या एग्जैक्टली इसका पावर है, और आपको एक दो शॉट्स जो है फायर करके हम आपको दिखाने वाले हैं। सो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो गन है ये इंपोर्टेड एयर गन है, मेड थ्रू डायना, जो डायना है इसको बनाती है। और ये जो डायना है बेसिकली जर्मन मेड प्रोडक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डिजाइन बाय डायना एंड जर्मनी, मतलब ये जो जर्मनी में है वहाँ से मैन्युफैक्चर होकर के इंडिया में आती है। तो ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट में नहीं बोल सकते या बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रिपिंग की जो सिस्टम है उन्होंने बना रखी है। वुडन टेक्सचर में आता है एंड जो बट का पार्ट है वो थोड़ा सा रबर ग्रिपिंग के साथ आता है। सो इट इज़ वेरी कूल गन। सो ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो स्पेसिफिकेशन वो थोड़े थोड़े शॉट्स में मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको फायर करके दिखाते हैं। इसका जो वेट होगा वो 3 किलो के आसपास इसका जो वेट है वो आपको मिलता है। ओवरऑल लेंथ की बात करते हैं तो 42 इंचेस का इसका जो है ओवरऑल लेंथ मिलता है। बैरल लेंथ की बात करते हैं तो वो 16.5 इंच का बैरल लेंथ होगा। इस पे जो है ऑप्टिक फाइबर मिल जाता है, फ्रंट और रियर साइड दोनों में इसमें जो है मिल जाते हैं ऑप्शन। इस पे अगर आप स्कोप अटैच करना चाहते तो वो ऑप्शन भी इसमें आपको मिल जाता है। सेफ्टी का ऑप्शन इसमें मिल जाता है, पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे जो है सेफ्टी अवेलेबल होता है। जैसे आप पीछे करते हो तो ये जो है ये सेफ्टी पे आ जाता है, पुश करते हैं आगे की तरफ तो ये जो होगा ये फायरिंग पे आ जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। पावर की अगर हम बात करते हैं तो पावर इसका जो होगा वो अप्रॉक्स आपको 935 FPS, मतलब अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करते हो तो 285 मीटर पर सेकेंड से इसकी जो पैलेट होते हैं वो ट्रैवल करते हैं। दिस इज़ पैलेट 4.5 mm जो इसका पैलेट है वो इसके थ्रू फायर होता है और 285 मीटर पर सेकेंड से ये जो है ट्रैवल करता है। सो बहुत अच्छी गन है, चलिए आप उसको फायर करके आपको दिखाते हैं। तो सामने की तरफ आप जो है टारगेट देख सकते हो। अब इसको कैसे एग्जैक्टली लोड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये बैरल है, बैरल के ऊपर थोड़ा सा आपको हिट करना है। सो ये जो है थोड़ा सा टूट जाता है तो आपको इसको मोर देन 90 डिग्री से यहाँ तलक फोल्ड करना है। बहुत लोग कोशिश करते हैं यहाँ तलक या यहाँ तलक करते हैं, उतना नहीं करना है, जितना आपसे होता है। जब इसमें आप जो है ऐसे नीचे करेंगे तो हल्की सी आवाज़ आती है, वहाँ तलक आपको करना है। एंड ये आप देख सकते हो यहाँ पे पैलेट के लिए ऑप्शन है। सो ये पैलेट जो फ्लैटेड पार्ट होगा वो आगे की तरफ जाएगा और ये लग गया, और अब सीधा करके टारगेट है देख सकते हैं। सो सेफ्टी में भूलिएगा, एग्जैक्टली यहाँ पे सेफ्टी है, ऑटोमेटिकली ये सेफ्टी पे आ जाता है। थोड़ा सा आपको जब आप रेडी हो जाएं तो आगे की तरफ पुश करना है। सो ये रेडी हो जाता है। सो दो तीन शॉट और फायर करके आपको दिखा देते हैं। रेडी, सेफ्टी से हटाना है और फायर। सो ये देख सकते हैं मैंने 3 शॉट एग्जैक्टली फायर किए, तो आपको पास में जाके दिखा देते हैं एग्जैक्टली कितना शॉट लगा हुआ है। सो आप देख सकते हैं ये स्मोक इस पे से थोड़ा सा निकल रहा है, जैसे आप इसको हटाएंगे थोड़ा स्मोक भी है अंदर। सो मैंने 3 शॉट एग्जैक्टली फायर किए थे, 2 जो है एक 6 पे एक 5 पे लगा है और एक जो है ब्लैक डॉट पे, मतलब 7 पे एग्जैक्टली लगा हुआ है। देख सकते हैं आप रिजल्ट क्या है। सो ये थी गाइस डायना 250 एयर राइफल। भूल गया आपको बताने कि इसके साथ जो है आपको मैनुअल मिल जाता है, इसमें कैसे एग्जैक्टली आपको यूज़ करना है वो सारी जो डिटेल्स है वो इसमें दिया हुआ है। इसका वेट एग्जैक्टली कितना है या फिर क्या इसके स्पेसिफिकेशन हो वो भी इस पे जो है इन्होंने मेंशन कर रखा है। सो आपको जब भी ये मिले कैसे इसको यूज़ करना है वो आपको पता ही है। ये जो है ये ब्रेक बैरल एयर गन है, तो बैरल को आपको मोर देन 90 डिग्री से फोल्ड करके आपको इसमें एक पैलेट लगाना है, बिकॉज जैसे सिंगल शॉट तो एक बार में एक पैलेट ही लगता है। सो लगा के आपको बैरल सीधा करके आपको फायर करना होता है, बहुत इजी है। ऑर्डर करने के लिए जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप वेबसाइट से जाकर के ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इस गन की तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है इसके स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगे, या आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा उस पे आप कॉल कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप नंबर अगर दिख रहा होगा तो उस पे आप जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हो। वेबसाइट पे जो है कॉल बैक रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पे जाकर के आप जो है आपका
नाम और कॉन्टैक्ट नंबर सबमिट कर सकते हैं, तो हमारी तरफ से जो कॉल होगा वो आपको आ जाता है। एंड अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, अगर आपको अमाउंट लग रहा है तो आपको ऑब्वियसली डिस्काउंट मिल जाएगा, बट अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है सो आप जो है इसको EMI थ्रू अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा सो ये EMI में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए जो है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो आप हमें info@asofcanindia.com या asofcanindia@gmail.com पर भी आप हमें मेल कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाली जो नई वीडियोस की अपडेट है मिल जाए। टिल देन गाइस हैव फन।